आज का लेक्चर हमने कहाँ छोड़ा था बच्चों? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरी तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं सेल की थ्योरी की बात करते हैं, है ना। अब हम लोग सेल की बात करते हैं बेटा, समझिए। सेल हुआ क्या बेटा, दो साइंटिस्ट आए, सेल के अंदर इतना पोटेंशियल होता है बेटा कि वो अपना खुद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट है उसका, खुद वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अपना खुद वो डिपेंडेंट होता है, यानी अपना वर्क खुद कर लेता है। सेल हम लोग उसे कहते हैं जो अपना वर्क जो है। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। सर व्हाट इज स्विडबर्ग यूनिट? स्विडबर्ग यूनिट होती क्या है बेटा जी, आप समझ लीजिए कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन जो कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्विडबर्ग यूनिट। यानी ये डेंसिटी और मास इस सब पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। इसको हम कभी अलग से लेक्चर इस पे ले लेंगे। वॉइस नहीं जा रही, कितने लोग कह रहे हैं वॉइस नहीं जा रही है? वॉइस तो जा रही है ज्योति बेटा, वॉइस तो जा रही है ना, आ रही है, आ रही है, वही मैं कह रहा हूं ना। आओ, अभी जो सेल है बेटा, हुआ क्या, दो साइंटिस्ट आए, 1838 की बात थी, 1838, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बच्चों शेलाइडन। क्या नाम था? शेलाइडन, ठीक। 1838 की बात थी, शेलाइडन साहब ने क्या बताया था बच्चों, ये जर्मन बोटेनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बोटेनिस्ट थे। अब ये बॉटनी है, अगर हम लोग बॉटनी की बात करें तो हम लोग बॉटनी के अंदर प्लांट की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट की स्टडी करते हैं हम लोग, तो बोलते हैं बॉटनी। एक होती है बच्चों जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंदर हम लोग सिर्फ एनिमल की स्टडी करते हैं। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है ना, शेलाइडन साहब। 1838 की बात थी, शेलाइडन साहब जर्मन के बॉटनिस्ट थे। प्लांट की बात की, प्लांट पे स्टडी की, इन्होंने कहा कि बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? टिश्यू से बनी हुई है ना। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्लियर ये लाइन? एक ही बात कही थी, उसके बाद चुप हो गए थे। इन्होंने सिर्फ एक बात कही थी। क्या कही थी इन्होंने? सिर्फ एक बात कही थी कि जो प्लांट की बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से बनी है, ठीक है ना। उसके बाद ये चुप हो गए। फिर अगले साइंटिस्ट आए एक साल बाद, 1839, ठीक। वो कब आए थे? 1838, एक बात कह के चुप हो गए। 1839 में कौन आए बेटा? श्वान साहब आए। श्वान, क्या नाम था? श्वान। श्वान साहब ने क्या कहा? श्वान साहब ने कहा बेटा, ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश। ये भी सवाल पूछा जाएगा बेटा, ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट। अब बताइए, अगर ये जूलॉजिस्ट हैं तो किसकी बात करेंगे? एनिमल की बात करेंगे। लेकिन ये सही नहीं है कि एनिमल की ही बात करें। श्वान साहब ने बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी की। श्वान साहब ने क्या किया बेटा? श्वान साहब ने क्या किया, दिमाग लगा के समझना। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने कह दिया कि एनिमल की बॉडी किससे बनी होती है? एनिमल बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल।
इन्होंने कहा कि जो एनिमल की बॉडी है वो अलग अलग सेल से बनी होती है। बेटा कोई दीपक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको कर देंगे हम, बिल्कुल टेंशन मत लें आप, उसको हम लोग जो है कर देंगे अपलोड। अपलोड है वो, हम आपको लिंक भेजेंगे आप देख लीजिएगा वहां से। तो यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे एनिमल की बॉडी, और इन्होंने यहाँ पे ये चुप नहीं हुए बेटा, इन्होंने और क्या क्या कहा ये समझिएगा। इन्होंने कहा कि आउटर लेयर ऑफ प्लांट इज सेल वॉल, मेड अप ऑफ सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल होती है, ठीक। इन्होंने प्लांट की भी बताई कि आउटर लेयर प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है। दूसरी बात यहां पे बताई कि आउटर लेयर इन एनिमल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन होती है, क्लियर। आउटर लेयर क्या होती है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन कहो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो, चलो, या कहो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों बात एक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। बताइए फटाफट बच्चों, नहीं समझ पाए, कोई बोल नहीं रहा है, क्लियर। चलिए अब इन्होंने क्या किया, सेल वॉल क्या, अच्छा सेल वॉल क्या होती है ये बताते हैं। चलो ये देखो, आगे आइए, इन्हीं की बात देखो। ये मान लीजिए एक सेल है, ये बच्चों सेल है, ये सेल की आउटर लेयर जिसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। अगर ये एनिमल सेल है, कौन सा सेल है बच्चों? एनिमल सेल है अगर, तो एनिमल सेल के अंदर आउटर लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, या हम इसी को कहें बेटा, या हम इसी को कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहें इसी को हम, या इसी को हम कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। अगर यही जो है सेल, ये वाला जो सेल मैं बना रहा हूँ, ये वाला सेल, ये सेल अगर बच्चों प्लांट का होता, किसका होता, प्लांट का सेल होता, तो प्लांट के आउटर लेयर जो होती है, प्लांट की आउटर जो लेयर होती है, ये होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल होती है। ये जो ये है बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट की जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और यानी एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है बच्चों? एब्सेंट होती है, ठीक। समझिए, जो एनिमल होती हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, जब ये सेल वॉल एब्सेंट है तो आउटर लेयर क्या हुई? सेल मेम्ब्रेन हुई। प्लांट के अंदर क्या है बेटा? सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इस सेल वॉल के प्रेजेंट होने से, प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल आउटर लेयर सेल वॉल होगी, और उसके अंदर की मेम्ब्रेन पूछा जाए तो बताना सेल मेम्ब्रेन होगी, क्लियर। क्लियर बेटा, बताइए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ गए। और एक चीज़ और समझिए आप, यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाएगा आपसे बेटा, ये याद रखिएगा, सवाल एक और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्लांट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है जो एनिमल में नहीं होता है। तो प्लांट के अंदर पहला डिफरेंस तो आपने देख लिया, सेल वॉल, प्लांट और एनिमल में डिफरेंस समझ लो, ठीक। प्लांट के अंदर सेल वॉल क्या होती है बच्चों? प्रेजेंट होती है, और एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। दूसरा, इस प्लांट का जो सेल वॉल होता है इसमें एक बड़ी सी स्पेस होती है अंदर की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों वैक्यूल। क्या कहते हैं हम लोग?
वैक्यूल कहते हैं। तो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होती है बेटा, वैक्यूल 90-95% वैक्यूल प्रेजेंट होती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा वैक्यूल क्या होती है डिटेल में, आगे वैक्यूल में डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लें। फूड वैक्यूल नहीं बेटा, वैक्यूल, फूड वैक्यूल अलग है। अब यहाँ पर क्या होगी, ये एब्सेंट होती है। ठीक, अगला सवाल पूछा जाएगा कि बताइए सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में बताऊंगा आगे। सेंट्रियोल बच्चों यहाँ पर एब्सेंट होता है और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल के अंदर। यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आगे, यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस, तीन मोटा मोटा डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, इसको नोट ज़रूर करिएगा। ठीक, याद रहेगा। बताइए सब बताएंगे, प्लास्टिड की बात बताएंगे, प्लास्टिड लेकिन कुछ यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है, ठीक है ना, यूग्लिनोइड्स में। क्लियर यहाँ तक मेरे ख्याल से? ज्योति बेटा क्लियर है, बुशरा लईक क्लियर है ना। ये हुआ हमारा क्या, प्लांट और एनिमल्स। अब उन्होंने क्या कहा था बेटा, किसने, श्वान साहब ने, श्वान साहब ने क्या क्या बात कही कि आउटर लेयर क्या क्या होती है बेटा, देख के बताओ फटाफट। आउटर लेयर जो होती है प्लांट के अंदर सिलवाल होती है, ये बात किसने बताई थी, श्वान ने बताई थी। श्लाइडन मत लगाना, श्लाइडन ने बस एक बात बताई थी, बस एक बात बताई थी बच्चों। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा, तो यहां पे एक सवाल और पूछा, श्वान ने क्या कहा, हाइपोथेसिस दी थी, हाइपोथेसिस इन्होंने क्या बताई थी, हाइपोथेसिस क्या दी थी कि बॉडी ऑफ प्लांट प्लस एनिमल कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, ये जो है हाइपोथेसिस इन्होंने प्रपोज की थी। याद रहेगा, बताइए फटाफट, याद रहेगा? सही सही, बिल्कुल ज्योति, हाँ, ये श्वान साहब, यानी श्वान ने बहुत ज्यादा डिस्कवरी की, श्लाइडन ने तो बस एक बात बताई उस चुप, है ना, बाकी सारी बात श्वान साहब कहे गए। अब अगला सवाल सुनिए, अब हम लोग आते हैं बच्चों की सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी गिवन बाय, सेल थ्योरी किसने दिया था बेटा, श्लाइडन एंड श्वान ने बच्चों क्या दिया, सेल थ्योरी। अगर सेल थ्योरी पूछा जाए किसने दिया तो बताना, श्लाइडन और श्वान ने दिया। ठीक, अगला सवाल, मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी। आप देखो सेल थ्योरी के ड्रॉबैक क्या थे, ठीक, डिमेरिट्स, हम लोग पूछे डिमेरिट्स ऑफ सेल थ्योरी, या मैं कहूं ड्रॉबैक क्या थे, ड्रॉबैक क्या थे सेल थ्योरी के। सेल थ्योरी बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि कैसे नए नए सेल्स बनते हैं, हाउ टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कैसे नए नए सेल्स बनते हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है ना। फिर यही बात किसने बताई, यही बात जो है बच्चों, यही बात बताई कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, रुडोल्फ वेरकाओ ने क्या बताया बच्चों, ओमनिस सेलुलाई आ सेलुला, ओमनिस सेलुलाई आ सेलुला किसने बताया,
रुडोल्फ वर्चाओ ने बताया। हाँ, रुडोल्फ वर्काओ ने बताया ओमनीसेलुला या सेलुला, यानी जो नए नए से ओमनीसेलुला या सेलुला का मतलब क्या होता है, जो नए नए सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हाउ टू न्यू सेल्स आर फॉर्म, नए सेल कैसे बनते हैं। इन्होंने ये बात कब बताई थी बच्चों, 1855 में, 1855 की बात थी, ठीक। तो इन्होंने ये बात कही कि जो नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है बेटा, ये एक सेल है पहले से, एग्जिस्टिंग सेल है ये, ठीक। अब इसी सेल के अंदर डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल बने, फर्दर डिवीजन होगा, दो से चार बने। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, देखिए जब एक सेल से, याद रखना लिख लेना, जब एक सेल से दो सेल बने, जब एक सेल से दो सेल बने तो उसको माइटोसिस कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बेटा, माइटोसिस कहते हैं या माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, ठीक। और जब एक सेल से कितने चार सेल बने तो उसे मियोसिस कहते हैं, तो उसे मियोसिस कहते हैं, याद रहेगा। कितने लोगों को हिंदी नहीं आती, सबको आती है हिंदी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मियोसिस कहते हैं। तो यानी ये कौन सा डिवीज़न है, माइटोटिक डिवीज़न है। कौन सा डिवीज़न है बेटा, माइटोटिक डिवीज़न। ये कौन सा डिवीज़न है बच्चों, माइटोटिक डिवीज़न है। ये देखो माइटोटिक डिवीज़न, समझ गए, एक से दो, दो से चार बन रहे हैं, तो ये क्या है बच्चों, माइटोटिक डिवीज़न है, ये मियोसिस नहीं है। एक से दो बना, अब इस एक से दो बना, फिर एक से दो बना, जब एक सेल ये हो, ये टूट के चार सेल बनाए इस तरीके से, तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे मियोसिस, समझ गए मेरे ख्याल से। इसको क्या कहेंगे हम, सर ये हैप्लोइड है या डिप्लोइड, यस चले वहाँ, मैं वहाँ ले नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी ये आपका टॉपिक नहीं है, अगर कहो तो ले चलूँ मैं। बताओ सर हिंदी मिक्स करके पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेटा सारी चीज़ें हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं मिक्स लैंग्वेज यूज़ करके ताकि समझ में आए। माइटोसिस से बेटा जो है पोलाइडी चेंज नहीं होती है, मियोसिस से पोलाइडी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये सेल बेटा 2n है ना, तो माइटोटिक डिवीज़न होगा तो ये भी 2n होगी, ये भी 2n होगी, तो ये डिप्लॉइड ही बनी रहेगी। लेकिन अगर ये 2n है बेटा, मियोसिस हुई तो ये हो जाएगी n, इसी वजह से मियोसिस का हम लोग बोलते हैं रिडक्शन डिवीज़न। क्या बोलते हैं मियोसिस को, रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं, और माइटोटिक को हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। समझ गए, बताओ बेटा। अभी इसके बाद का चैप्टर आपका आएगा, वहाँ हम पढ़ाएंगे डिटेल, टेंशन मत लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए हम आपको बताते हैं कि बेसिक थोड़ा थोड़ा सा याद रहे, थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ के हम ज़्यादा बना देंगे उसको आगे चल के। क्लियर यहाँ से पॉइंट, चलिए। अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ये किसने बनाया था बच्चों, रुडोल्फ वर्चाओ ने, किसने बताया था, रुडोल्फ वर्काओ ने ये बात बताई थी, किसने बताया था बच्चों,
आर वैरकाओ, रुडोल्फ वैरकाओ, क्लियर? बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी ये देखिए ये हमारा टॉपिक नहीं है, है ना, इसमें बहुत एक चैप्टर है पूरा पढ़ा हुआ, तुम लोग घबराओ नहीं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड हम बताएंगे क्या होता है इसके बाद के चैप्टर में, अभी यहाँ बताएंगे ना तो दूसरी चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि माइटोसिस डिप्लॉइड है, ऐसा नहीं है, माइटोसिस डिप्लॉइड होता है, ठीक है ना, ये हम आगे बताएंगे। बताओ अभी अभी मत, ये अभी इसमें मत जाओ, अभी मत जाओ, तुम्हें एक चैप्टर पूरा इसी पे हम पढ़ाएंगे, तो वहाँ हम समझाएंगे, क्लियर? यहाँ पूछोगे तो बहुत वो हो जाएगा, है ना, अभी मत। हाँ विकास पाल, अभी नहीं, चलो आगे चलते हैं, हाँ आगे बताएंगे, अभी ये सब आपका टॉपिक नहीं है, इसी में अटके रह जाओगे। अब बताओ, अब देखो सवाल पूछेगा कि मॉडिफाइड मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय किसने दिया था बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी या मॉडिफाइड सेल थ्योरी गिवन बाय, बताओ इसको। आर, इनका नाम बहुत, इनके नाम में काउ बहुत आ रही है ना, रुडोल्फ वैरकाओ, रुडोल्फ वैरकाओ ने दिया था, शिलाइडन एंड श्वान ने नहीं ज्योति बेटा, किसने दिया था, मॉडिफाइड सेल थ्योरी गिवन बाय रुडोल्फ वैरकाओ इन 1855, क्लियर? चलिए अब आपको एक लाइन और पढ़ाते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। अब देखिए बच्चों, सेल थ्योरी ने क्या कहा था, सेल थ्योरी ने यही कहा था कि कोई भी सेल हो उसके अंदर अपना न्यूक्लियस हो। जब न्यूक्लियस को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों मास्टर कंट्रोल, न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर कंट्रोल। न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं मास्टर कंट्रोल, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी और न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं मास्टर कंट्रोल। उसके पास न्यूक्लियस हो एज वेल एज वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट रखे, क्या रखे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट हो, है ना, खुद अपना फंक्शंस करे, खुद परफॉर्म करे और वो खुद जो है सही हो। जी बेटा, साइंटिस्ट का नेम पूछा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं कहते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, हम न्यूक्लियस को नहीं कहते, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या क्या आएगा बेटा, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी में अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा था, बताओ कोई जिसके पास न्यूक्लियस फुक्लियस ना हो, कोई बताओ एग्जांपल। अब आप लोग पढ़ा चुका हूँ मैं, एक्सेप्शन बताओ सेल थ्योरी का, दो पॉइंट थे, न्यूक्लियस हो और खुद अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट रखे, अपना फंक्शंस करे। तो ये नबीला सोहेल ने बिल्कुल तगड़ा बताया, वायरस जो पढ़ाया है वो नहीं बताओगे सर, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है तब ठीक है। प्रोकैरियोट्स, यस कल पढ़ाया था तुमको, प्रोकैरियोट्स में तुम बैक्टीरिया बोलो तुम साइनोबैक्टीरिया बोलो तुम जो है बेटा वायरस कहोगे, वायरस, क्योंकि वायरस क्या होता है, अगर आउटसाइड द बॉडी है, कहाँ है बेटा, आउटसाइड द बॉडी, अगर ये आउटसाइड द बॉडी होता है तो ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग, और अगर ये इनसाइड द बॉडी होता है, इनसाइड द बॉडी होता है तो ये क्या होता है बच्चों, लिविंग होता है। तो मैं कहूँगा इसको कि ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
लिविंग एंड नॉन लिविंग नहीं समझ पाए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है ना। अब देखिए एक चीज, अच्छा ये बताओ समझ गए बेटा। अब देखो अगला तुम्हारा एग्जाम्पल आरबीसी, किसी ने बताया आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता बेटा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है याद रखना, और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ये याद रखना, ये एब्सेंट होते हैं आरबीसी के अंदर, याद रहेगा। हाँ हाँ प्रोकैरियोट्स वही बैक्टीरिया आ गए, ठीक है। इतने एक्सेप्शंस होते हैं सेल थ्योरी के, मेरे ख्याल से याद रहेगा सभी को, क्लियर। सर वायरस प्रोकैरियोट होता है? नहीं, वायरस प्रोकैरियोट इसका अलग ग्रुप है बेटा, ठीक है ना, इसका अलग ग्रुप होता है, ये अपना अलग ही ग्रुप है, वायरस एक बड़ा ग्रुप है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी नॉट अंडरस्टैंड, देखो सेल थ्योरी का मतलब यही था कि इसके अंदर एक अगर सेल है कोई, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस हो और वो अपना फंक्शंस खुद करे, ठीक है। जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं वो एक्सेप्शन हो जाएगा सेल थ्योरी का, सेल थ्योरी ने यही कहा था, ठीक है ना, सेल थ्योरी ने यही कहा था। ये कौन सा चैप्टर है ये बेटा? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर बेटा ये 8, चैप्टर 8 11th एनसीईआरटी का। ठीक, तो अब इन लोगों के पास जो है, देखो बैक्टीरिया के पास तुमने कल ही पढ़ा था न्यूक्लियस नहीं होता है, वायरस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग, इसके अंदर भी वो सब नहीं होता है, और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये क्या हो गए? ये तो एक्सेप्शन हो गए ना, ये सेल थ्योरी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सेल थ्योरी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एनसीईआरटी, हाथ उठाओ वहीं से, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एनसीईआरटी है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है। जब मैं यहां से लेक्चर लूं तो एनसीईआरटी वहां से खोल के बैठो तुम लोग, ताकि एक एक लाइन जो पढ़ा रहे हैं, आई है उज्मा बुशरा लाइक है सर एनसीईआरटी, जिया नहीं है, है सर, सर आज फिजिक्स की क्लास नहीं हुई थी क्या? हुई थी बेटा, नहीं है, आई हैव एनसीईआरटी, है सर, आई हैव। जिसके पास नहीं है आओ, अगर कल ना रही तो कैमरे में घुस के मारेंगे हम, याद रखना, घर पे फोन जाएगा तुम्हारे, जितने लोगों के पास नहीं उनका नाम मैं आज कल मॉर्निंग में फोन जाएगा उनके पास, ठीक। अनन्या आई हैव सर, ये अनन्या बेटा आप हमसे पढ़ चुकी हैं क्या पहले? स्नेहा आई हैव इकरा, नहीं है गुरुजी, अरे रोहित बेटा, दीपक, चलो दीपक के पास है, रोहित बेटा जो है आप भी एनसीईआरटी ले लें, दीपक के पास है, ठीक है। इकरा का मतलब ही होता है शुरुआत पढ़ाई से, रोहित नहीं है, ले लो बेटा ले लो, यस सर जुनून बैच में, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, आओ। दिस चैप्टर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है सर। कहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है उस्मा? ये इतना बढ़िया टॉपिक है, एक एक चीज़ समझते जाओ, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। एनसीईआरटी है सर मेरे पास, ठीक है। नो, आबिद हुसैन नहीं है, ले लो बेटा एनसीईआरटी, लेके आओ घर जाके रीडिंग करो, जो पढ़ा रहे हैं एक एक लाइन पढ़ो, मार्क करो, क्वेश्चन लगाओ, तभी कुछ होगा। 11th ले लो बाबू, 11th ले लो पहले तुम लोग, 11th ले लो मेरे लाल, कैसे फोड़ोगे तुम लोग,
कैसे नीट निकालोगे? नीट निकालने आए हो कि भेड़ा बकरा चराने आए हो? इतने पैसे खर्च करते हो, खाने पीने पे एनसीईआरटी नहीं ले पा रहे हो, बेवकूफ। कल अगर किसी के पास एनसीईआरटी नहीं रही तो फिर समझ लेना। झूठ मूठ नहीं, हमेशा सच बोलना नहीं है तो नहीं है, तो है। आओ पढ़ाते हैं, आओ अब आगे आओ, तुम लोग बहुत बेवकूफ हो एकदम। चलिए अब हम आगे आइए, आगे आइए बेटा, आगे आइए।